सो हेलो गाइस, आज हम बताने वाले हैं कि रेडमी 6A में कॉल रिकॉर्डिंग ऑटोमेटिक कैसे ऑन करें। तो गाइस, अगर आपका फ़ोन आता है, आप किसी से बात करते हैं, तो अगर आपको कॉल रिकॉर्डिंग करनी होती है तो कैसे ऑन करनी है। तो गाइस, इस वीडियो में आज हम सब कुछ बताने वाले हैं। तो गाइस, इस वीडियो को ध्यान से देखना, वीडियो को देखते रहें गाइस, और वीडियो को स्किप ना करना, वीडियो को पूरा वॉच करना। तो गाइस, चलते हैं, वीडियो को शुरू करते हैं। तो गाइज, हमारे यहाँ मोबाइल में आपको यहाँ पर सेटिंग दिख रहा होगा। तो गाइज, हम बता दें कि अगर हमारे चैनल पे आप नए नए हैं तो प्लीज़ नीचे दिख रहे जो लाल बटन पे सब्सक्राइब करके और बेल आइकन घंटी को ज़रूर दबाएं। तो गाइज, अगर जो मैं मोबाइल से रिलेटेड वीडियो बनाता रहता हूँ, तो गाइज जो बनाता हूँ, जो यहाँ पर अपलोड करता हूँ, तो आपके पास पहुँचता रहे। तो गाइज, चलते हैं, वीडियो को शुरू करते हैं। तो गाइज, हमारे यहाँ पर मोबाइल पर आपको यहाँ पर सेटिंग दिख रहा होगा, तो आपको यहाँ पर सेटिंग पे क्लिक कर लेना है। क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पर नीचे आ जाना है। नीचे आने के बाद जहाँ पर आपको लिखा हुआ है सिस्टम ऐप सेटिंग, तो सिस्टम ऐप सेटिंग पे आपको क्लिक कर लेना है। क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पर जो मैं बता रहा हूँ, यहाँ पर एक कॉल सेटिंग जहाँ पर लिखा हुआ है, आपको यहाँ पर फ़ोन लगाने वाला है, एक लोगो बन रहा दिख रहा होगा, कॉल सेटिंग लिखा होगा, तो यहाँ पर आपको क्लिक कर लेना है। क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पर देखिए दूसरे नंबर पे जो है कॉल रिकॉर्डिंग दिख रहा है आपका, तो आपको यहाँ पर कॉल रिकॉर्डिंग को ओपन कर लेना। ओपन करने के बाद आप देखिए, अगर आपको कॉल रिकॉर्डिंग करनी है तो इसको बस यहाँ दूसरे नंबर पे जो है, मान लीजिए कॉल रिकॉर्डिंग नोटिफिकेशन मान लीजिए है, अगर आप कॉल रिकॉर्डिंग जो रिकॉर्ड करते हो उसका नोटिफिकेशन आपके पास मिलता रहेगा। और इसके बाद आपको यहाँ दूसरे नंबर पे भी इसको ओपन कर लेना। ओपन करने के बाद अगर यहाँ पर जो ऑल कमिंग होती है, जो सभी कॉल आते हैं, उसकी रिकॉर्डिंग होने लगेगी। अगर आप चाहते हैं कि मेरा जो पर्सनल नंबर है उसी का रिकॉर्ड हो, तो आपको यहाँ पर जो नीचे ऑल नंबर पे लिखा है इस पर आपको क्लिक कर लेना है। तो यहाँ से आपको यहाँ पर सिलेक्ट कर लेना है नंबर, और सिलेक्ट करने के बाद आपको यहाँ पर जो कि आप कर सकते हैं सिलेक्ट नंबर, तो जिस नंबर पे आपको करनी होती है वहाँ से आप सिलेक्ट कर सकते हैं, उस नंबर को सिलेक्ट कर लीजिए, उसी नंबर पे कॉल रिकॉर्डिंग होगी, बाकी किसी पे नहीं होगी। तो गाइज, अगर आल नंबर पे करना है तो आल नंबर कर सकते हैं, अगर सिलेक्ट नंबर करना है तो सिलेक्ट नंबर कर सकते हैं, तो जो आपका यहाँ पर कर सकते हैं। तो गाइज, हमारी वीडियो अगर पसंद आए तो लाइक कमेंट करना, और प्लीज़ सब्सक्राइब करना ना भूलें। और वीडियो देखने के लिए तहे दिल से धन्यवाद। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। ओके, बाय बाय।